दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीश कांत। दोस्तों अगर आपने सहारा में पैसे लगाए थे और सहारा से पैसे वापस लेने के लिए सेबी के पास आवेदन दिया था तो अपना अकाउंट कृपया चेक कर लें। हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे वापस आ गए हों। दोस्तों दरअसल सेवी ने कहा है कि 31 मार्च 2019 तक सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 13,543 दावेदार बॉन्ड धारकों के कुल 106.10 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। इसमें से 56.86 करोड़ रुपए मूलधन के हैं और 49.24 करोड़ रुपए ब्याज के शामिल हैं। सेबी ने इस धन वापसी के लिए अलग से एक विशेष खाता खोला है जिसमें सहारा समूह से धन जमा करने के लिए कहा गया था। दोस्तों सेबी, सहारा समूह, सुप्रीम कोर्ट, निवेशक, ये सब क्या मामले हैं, इन पूरे मामले की जानकारी हम आपको इस एपिसोड में ही देंगे। लेकिन थोड़ा आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, तो जब तक आप मामला क्या है नहीं समझेंगे तब तक आप इसके अपडेट नहीं समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेबी की तरफ से जो ये बयान आया है उसके बाद सहारा समूह का क्या कहना है, वो भी मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सहारा समूह के निवेशकों की ओर से धन वापसी के 20,000 से कम दावे प्राप्त हुए हैं, ये सेवी का कहना है। सेवी ने सहारा समूह से अब तक कुल 15,438 करोड़ रुपए की वसूली की है। 2013 में सेबी के कई कुर्की आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ऐसा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में 20,173 करोड़ रुपए जमा कराए जाने थे, जिसमें दावों के निपटान के बाद बचा सहारा से वसूल हुआ धन और उस पर मिला ब्याज शामिल था। सेबी को 31 मार्च 2019 तक 19,547 आवेदन मिले जो 53,233 खातों से जुड़े हुए हैं। इसमें 38,143 खातों से संबद्ध 13,543 दावों को धन वापसी की गई है। कुल 17,30,00,000 रुपए के दावे के 4,000 से अधिक मामले सेबी के पास अभी भी लंबित हैं। 71.6 लाख रुपए के 254 मामले सहारा के पास और 3.84 करोड़ रुपए से अधिक के 1,000 मामले निवेशकों की तरफ से लंबित हैं। कुल 131 आवेदनों को विवादित घोषित किया गया है जिनका कुल मूल्य 50 लाख से कम है। 1.57 करोड़ रुपए के 542 आवेदन बंद कर दिए गए क्योंकि इन मामलों में निवेशकों ने नोटिस के जवाब नहीं दिए। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको अपडेट बताया जो सेबी की तरफ से जारी किया गया है। अब हम बताते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। तो सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 2011 में निवेशकों से जुटाया गया धन वापस लौटाने के आदेश दिए थे। बाद में कई दौर की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2012 को अपने निर्णय में सेबी के आदेश को सही करार दिया। कोर्ट ने समूह की इन दो कंपनियों के निवेशकों को 15% सालाना ब्याज के साथ धन लौटाने का आदेश दिया। निवेशकों ने इन दोनों कंपनियों में वैकल्पिक पूर्णतया हस्तांतरणीय बॉन्ड के माध्यम से निवेश किया था। 2013 में सहारा समूह द्वारा करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाई गई अनुमानित 24,000 करोड़ की राशि की वसूली और वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रक्रिया शुरू किए हुए अब 6 साल से अधिक हो चुके हैं। तो दोस्तों ये पूरा मामला है। मामला ये है कि 2011 में सेबी ने सहारा को 3 करोड़ निवेशकों को करीब 24,000 करोड़ रुपए
वापस करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किया गया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2013 से सहारा के पैसे को, सहारा के निवेशकों को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके बाद 31 मार्च 2019 तक का अपडेट सेबी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दिया है। और इस रिपोर्ट में जानकारी देते हुए सेबी ने कहा है कि उसके पास पैसे वापस करने के मामले में 20,000 आवेदन मिले, जिसमें से 13,543 दावेदारों के पैसे वापस किए गए, और जो पैसे वापस किए गए वो करीब 106 करोड़ रुपए हैं। तो अब सहारा का कहना क्या है कि उसने अपने 3 करोड़ बॉन्ड धारकों में से 95% से अधिक निवेशकों को वह पहले ही सीधे धन वापसी कर चुका है। सहारा ने साथ ही ये भी कहा है कि सेबी के पास जो पैसा जमा कराया है वह एक तरह से दोहरा भुगतान है। सहारा ने सेबी से उसके पास निष्क्रिय पड़ी अपनी पूंजी उसे लौटाने की मांग की है, ताकि वह उसका उपयोग अपने कारोबार के विस्तार और नई नौकरियों के सृजन में कर सके। तो दोस्तों, यह है शेयर सेबी, सहारा, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामलों पर अपडेट और पूरा मामला और सहारा का बयान। तो दोस्तों, अगर आपने सहारा से पैसे लेने के लिए सेबी के पास आवेदन किया हुआ है तो आप अपना अकाउंट फिर से चेक कर लें। तो आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए कृपया देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर, और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग बी योर मनी मैनेजर .blogspot.com। और हाँ, कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सवाल पूछना, सुझाव देना, आलोचना करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।